गाइस मैं वैसे तो बहुत स्ट्रांग हूँ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता दूं, भाई अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं, आप देख लो पीछे। और अभी देखो यहाँ पे सोनम का बेड था जो कि शिफ्ट कर दिया है ऊपर लेबर रूम के अंदर, क्योंकि अब उसको कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो गया, उसको पेन काफी तेज हो रहा है। और भाई मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि उसको धीरे धीरे हल्के हल्के पेन आते रहे थे। मैं तो यहाँ पे सो रहा था रात को, बार बार मुझे उठना पड़ा, नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं। मुश्किल से 1 या 2 घंटे सो पाया हूँ पूरी रात में। मेरी हार्ट बीट है ना बहुत ऐसे ऐसे कर रही है, सीरियसली गाइज। तो गाइज कह सकते हैं ना यार, ये चीजें बहुत ही मतलब, तो गाइज जो बेबी का बर्थ होता है वो माँ के लिए तो दूसरा जन्म होता ही है, इसलिए सब चीजें ठीक रहे मैं ये भी उम्मीद करता हूँ। तो बाकी अभी लेबर रूम में चलते हैं और बाकी जो भी अपडेट होंगी मैं आपको धीरे धीरे अपडेट करता रहूंगा। तो गाइज अभी अपन को जाना है 5th फ्लोर पे क्योंकि सोनम को 5th फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है। तो सोनम को शिफ्ट कर दिया है ऑपरेशन थिएटर में। बहुत खतरनाक वाला पेन होता है और इस पेन से मतलब छुटकारा मिल जाए ऐसा लगता है। इस टाइम जो सोनम की कंडीशन है ना, मैं वो सोच भी नहीं सकता। और जो कंडीशन में ये हर लड़की सरवाइव करेगी एक बच्चे को जन्म देती, बहुत बड़ी बात है। हेड्स ऑफ टू ऑल गर्ल्स। क्या हो रहा है बेटे? टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, वही रिलैक्स रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, थोड़ा सा पेशेंस रख, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भगवान अपने साथ में। तो गाइस मैं भी आपको बता दूं, बच्चे की हार्ट बीट भी साथ साथ मॉनिटर हो रही है। गाइस बहुत अनटॉलरेबल है ये, जो भी है बट ठीक है। गाइस मेरे को था ना सोनम की हालत देख देख के डर लग जाता है। तो एक चीज तो है, जितना तू जागी रात भर उतना ही मैं भी जागा हूँ, पता है तेरे को। तो गाइज अभी मैं आपको बता दूं, सोनम को भाई कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं बहुत गंदे गंदे वाले और अभी और बढ़ने वाला है पेन। और ये यार, ये मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो ये पेन होता है ये अनटॉलरेट पेन होता है, मतलब लेबर पेन कितना खतरनाक पेन होता है। बाकी गाइज डर तो लग ही रहा है, बाकी सब भगवान के हाथ में, सब कुछ अच्छा होगा। और बाकी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट तो हमारे साथ में है ही, होप फॉर द बेस्ट। एंड गाइज रात को मैं कुछ खा के नहीं आया था, तो अभी सासू माँ आ रही है, सासू माँ आ रही है पराठे लेके, कुछ खाएंगे पिएंगे एंड जो भी आगे का अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा, इसलिए व्लॉग के अंदर पूरा एंड तक बने रहे। चीजें तो अच्छी भी है यहाँ की और कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि अभी जैसे कि भाई सासू माँ खाना लेकर आई है तो, लेकिन यहाँ पे अंदर रूम के अंदर अलाउड नहीं है बाहर का खाना। सेफ्टी पर्पज से अच्छा है, लेकिन यार घर से अच्छा खाना कहीं मिल सकता है यार। तो गाइस फटाफट से चलते हैं नीचे। गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है और सासू माँ देखो खाना लेकर आई है, क्योंकि मेरे को पूरी रात होगी जगते हुए सोनम के साथ साथ में। क्या क्या लेकर आया है उसके अंदर? पराठे, मिर्ची। तो पराठे और मिर्चे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे कुछ बाहर का खाना अलाउड नहीं है, कुछ कुछ भी आप ऊपर ले जाके नहीं खा सकते। तो गाइज ये रहा हॉस्पिटल, रात में तो आपको कुछ दिखा नहीं होगा ढंग से, तो मैंने सोचा चलो दिन में आपको दिखा देते हैं एक बार। तो अभी गाड़ी अपनी बाहरी पार्किंग में खड़ी है, तो खा पी लेते हैं पहले। तो गाइज अब 2-3 दिन इसी तरीके से खाना खाना पड़ेगा गाड़ी में बैठ बैठे, क्योंकि सुबह सुबह घर की छुकी हुई मिर्चे हैं और पराठे हैं, क्योंकि बाहर से अच्छा तो कुछ मिलेगा नहीं, तो घर से अच्छा तो कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए हमने घर से ही मंगा लिया, बाहर से खाने का कोई फायदा नहीं है। सासू माँ को टेंशन इतनी ज्यादा हो रही है, रात को मेरे को इन्होंने 4 बार फोन किया, एक बार 4 बजे, एक बार 2 बजे। मैं 1 घंटा नहीं सोई होंगी, 1 घंटा बिल्कुल, 12 बजे तो यहाँ से गई और 4 रवि गया था, 3 बजे जी गई आज। तो वही बात है भाई, टेंशन हो जाती है घर में जब ऐसी सिचुएशन होती है। तो गई सुबह से लेके अब जाके जान में जाना है, अब जाके कुछ खाया है तो अच्छा अच्छा फील हो रहा है। मेरे को रात को इतनी तेज भूख लग रही थी, लेकिन फिर मेरा यार यहाँ हॉस्पिटल से कुछ जंक खाने का और बाहर का मेरा कुछ खाने का मन करता नहीं है। एंड गाइस अभी थोड़ी मुझे टेंशन इतनी ज्यादा हो रही है कि सोनम ठीक है या नहीं है, क्योंकि जब मैं उसके पास था तो सब कुछ ठीक लगता था, जब मैं उसके पास नहीं रहता तो थोड़ा सा ऐसे लगता है, डर लगता है, हाँ यार कैसे होगी, कैसे टॉलरेट कर रही होगी पेन में, बहुत सारी चीजें होती है। तो गाइस इसको देखे बिना मेरे को तो चैन मिलता नहीं है। और अब टाइम हो चुका है 9:25, पीक टाइम
स्टार्ट होने ही वाला है। तो गाइस जब रात को सोनम के कैनुला लगा था सही नहीं लगा था क्योंकि इसकी वेन्स बहुत पतली है, दिखाई नहीं देती, जिस वजह से इसका हाथ पूरा स्वेल कर गया। अब इसका जो कैनुला है चेंज करके दूसरे हाथ में लगवाया है ताकि स्वेलिंग ना आए। गाइस अभी मैं सोनम से दोबारा से मिलने के लिए आया हूँ और इसको अभी बहुत तेज तेज पेन आ रहे हैं, बीच बीच में हैवी कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं ना, तो मुझे तो देख के डर लग जाता है। ठीक है, वैसे तो बहुत हिम्मत वाला है, मुझे पता है हार नहीं मानेगा, मैं झुकेगा नहीं साला। टेंशन मत लो बेटे, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो पागल, मुझे पता है। मम्मी आई थी अभी तेरी, सब ठीक है ना? मैंने बोला हाँ सब ठीक है। मटका खा गए तुम? क्या करूँ, अब मम्मी तेरी बहुत सैड थी, सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी से मिल लेती, लेकिन क्या करे, कोई बात नहीं। मैंने कि कोई बात नहीं, आप मिल लेना बाद में, एक दिन की बात हो रहा है। तो गाइस जब भी इस लड़की को टाइम मिलता है तो खड़े हुए घूम के बातें करने लग जाती है। डॉक्टर खुद ये कह रहे थे कि सोनम के अंदर काफ़ी क्षमता है, टॉलरेट कर सकती है पेन, काफ़ी सहन करने की शक्ति है, मतलब और ज़्यादा चिल्लाती नहीं है। मैं अभी आपको बता दूं, सोनम देखो टाइम देखो कितना बज गया, मतलब 12 बज चुके हैं और अभी सोनम यहाँ पे घूम फिर रही है और मैं इसका बाहर बैठ के वेट कर रहा हूँ क्योंकि वैसे यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करके आ गया अंदर और अभी इसको पेन आते हैं और ये इतने पेन में सब कुछ आराम से बर्दाश्त कर रही है। पता है लोग क्या कह रहे हैं कि सोनम इतने पेन में भी खुश होने की कोशिश कर रही है। जो कॉन्ट्रेक्शन आते हैं ना तो पेन होता है, बाकी तो नॉर्मल है। बाकी गाइस कोई नहीं, आई होप, हमें उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी बेबी भी आ जाएगा तो बेबी से भी मिलवाएंगे। जितना एक्साइटमेंट आपको उतना ही एक्साइटमेंट हमें भी है। चलो मेरी फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट प्लीज। गाइस ये पेन में ही पता क्या करेगी, मेरी रील्स बना दियो। कैसी है ना तू? मैं तो ऐसे ही हूँ। एक चीज बताऊँ, सब लोग ये कह रहे हैं कि आपका बेबी आपको बहुत ज्यादा वेट करवा रहा है तो बेबी घर लाएगी। यस। यही तो चाहते हैं हम लोग, गुड्डी आएगी, गुड्डी गुड्डी आएगी, ये गुड्डी चाहती है, मैं भी गुड्डी चाहता हूँ। गुड्डी का हम तो इतना एक्साइटेड होके वेट कर रहे हैं, देखो। आप लोग जाओ, हमें तो टाइम लगेगा, शाम को आ जाना आप 7-8 बजे वापस। मैं बता दूं अभी सास ससुर तो गए नहीं थे, कुछ फ्रूट्स वगैरह देकर गए हैं। तो गाइस अभी हॉस्पिटल में मैं ये लेकर जा रहा था केले और सेब, लेकिन ये भी ले जाने से मना कर दिया क्योंकि बाहर का कोई भी आइटम आप अंदर लेकर जा ही नहीं सकते। कोई नहीं, गाड़ी में बैठ के खाते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। तो गाइस एक बार अभी ऊपर चलकर आते हैं क्योंकि सोनम के यार बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो गए हैं। अभी अभी मेरे पास नर्स ने मेरे को बुलाया है कि सोनम मुझे बुला रही है और बहुत ही ज्यादा पेन स्टार्ट हो गए हैं उसको। एक बार ऊपर चल के देख के आते, एक बार ऊपर चल के देख के आते कि क्या कंडीशन है उसकी। पेन कम हुआ? टेंशन क्यों ले रही है? अरे बस थोड़ी सी देर की बात है। गाइस मैं वैसे तो बहुत स्ट्रांग हूँ, कैमरे के सामने पहली बार रो रहा हूँ। इतना पेन, मतलब मैं सौरभ को देख नहीं पाया, इतना पेन हो रहा था उसको, मैं नीचे आ गया। बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा। मुझे देखा नहीं जा रहा कि सौरभ इतने पेन में, मेरे लिए चीज नहीं है। जब मैं उसके पास था लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल गए क्योंकि गाइस मुझसे देखा ही नहीं गया कि इतना पेन कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है। सच में यार हैट्स ऑफ है उन सब लड़कियों को जो लेबर पेन से होकर गुजरती है, बहुत बड़ा दर्द है। अगर मैं इसको देख के रो सकता हूँ ना, पहले मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मैंने सामने से देखी चीजें, गाइस बहुत पेनफुल होती है प्रेगनेंसी, बहुत पेनफुल होता है डिलीवरी का जो पेन होता है, लेबर पेन होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है। सॉरी गाइस, मैं आप लोगों के सामने रोना नहीं चाहता था, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हूँ, डर लग जाता है, देखा नहीं जाता। आई होप सब अच्छा हो, भगवान माता रानी सब अच्छा करे। मैं बार बार उसका वेट कर रहा हूँ नीचे बैठ के, बार बार उसको चेक करने के लिए जा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर के अंदर कि अभी ठीक है कि नहीं है।